18 फरवरी के दिन जैसे ही विज्ञान का परीक्षा देने जाइएगा तो आपसे खंड भाव में गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी सबसे पहले भौतिक शास्त्र से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाने वाले हैं। तो जो बच्चे इस वीडियो को छोड़ करके जाएंगे उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपके एग्जाम में काफी अब कम समय बचा हुआ है। तो अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा, काफी लाजवाब जबरदस्त क्लास शुरू हो चुके हैं, वो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। और काफी दिनों से आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे, लेकिन सब्जेक्टिव पे ध्यान काफी ज्यादा जरूरी है देना, क्योंकि सब्जेक्टिव ही आपका रिजल्ट काफी जबरदस्त बनाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेकिन उसके पहले अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर दीजिए। पिछले साल की भांति इस साल भी आपकी यह चैनल तैयार हो चुके हैं आपको टॉपर दिलाने के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यह रहा आपके स्क्रीन पे कि गोलीय दर्पणों द्वारा परिवर्तन के लिए नई कार्थे जो चिन्ह प्रॉपर्टी है वह क्या होती है, इसे दर्शा दीजिए, इसे बता दीजिए। तो आइए हम लोग इसे फटाफट से समझ लेते हैं, काफी लाजवाब है और आप सब्जेक्टिव पढ़ेंगे ना तो समझिए कि आपका ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को छोड़ कर जाएंगे दिक्कत होगा जल्दी से बच्चों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। तो देखिए चिन्ह प्रॉपर्टी नियम क्या कहती है, तो देखिए गोलीय दर्पण द्वारा परिवर्तन की नई कार्थे जो चिन्ह प्रॉपर्टी नियम होती है वह सबसे पहला होता है कि बिंब सदैव दर्पण के बाई ओर रखा जाता है। कहां रखा जाता है, बाई ओर रखा जाता है, यानी कि लेफ्ट साइड में रखा जाता है। दूसरा होता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां जो होती है वह दर्पण के कहां से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आपको बता देंगे कि यह पीडीएफ इन नोट्स कहां पे मिलेगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला होती है कि मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरियां जो होती है वह धनात्मक होती है, जबकि मूल बिंदु की बाईं ओर की जो दूरियां होती है वह कैसी होती है, वह ऋणात्मक मानी जाती है। यह बात आपको दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लेनी है और फटाफट से यही सारी चीजें आपको लिख देनी है, एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगला चौथा होता है कि मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां जो होती है वह धनात्मक मानी जाती है। और पांचवा होता है कि मुख्य अक्ष के लंबवत मापी जाने वाली जो दूरियां होती है कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो जैसे ही आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा आपको फटाफट से इन सारी बातों को लिख देना है, आपका एक भी नंबर यहां से नहीं कटेगा। आइए बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की कि अगला नंबर जो प्रश्न है हम सभी क्या क्या कह रहा है, तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि औतल दर्पण के दो उपयोग को लिख दीजिए। और जब भी बच्चे दो उपयोग लिखते हैं तो आप डायरेक्ट लिख देते हैं, तो वैसे नहीं लिखना चाहिए। कैसे लिखना है, जैसे कि आपका एक भी नंबर न कटे तो ध्यान देंगे। आपको लिखना है कि औतल दर्पण के दो उपयोग निम्नलिखित है। पहला उपयोग है कि अधिक फोकस दूरी तथा बड़े आकार का अवतल दर्पण जो होता है वह हजामती बनाने के लिए किया जाता है, हजामत बनाने के लिए काम आता है। दूसरा जो होता है कि छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणों को परिवर्तित करके डॉक्टर जो होते हैं वह आंख नाक दांत गले इत्यादि का क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं। इस प्रकार से जब आप लिखेगा अपने एग्जाम में तो एक भी नंबर बाबू नहीं कटेगा और आपका पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। कैसे लिखना होगा, जैसे आपके एग्जाम आएगा कि अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखे, कैसे लिखेंगे आप कि अधिक फोकस दूरी तथा बड़े आकार के अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वह हजामती दर्पण के लिए किया जाता है और छोटे अवतल दर्पण द्वारा दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणों को क्या कहता है, परिवर्तित करके डॉक्टर जो होते हैं क्या करते हैं, आंख नाक दांत गले इत्यादि का क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपको सारी चीजें लिख देनी है। तो फटाफट से जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी, ये यूट्यूब का ही रूल है। अगला देखिए कितनी लाजवाब क्वेश्चन है और काफी बच्चों को इसका उत्तर पता होगा लेकिन लिखने का तरीका नहीं पता है। और आप लोग देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लेते जाइएगा, ठीक है, नहीं तो आपको हम सारी चीजें बता देंगे कैसे वगैरह सब चीज डाउनलोड वगैरह सब कुछ कैसे करना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर लाइव टेस्ट कैसे देंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही मजा आने वाली है ना, काफी कमाल की ये सारी चीजें। और देखिए ऐसा नहीं कि वो साइंस पढ़ाया जा रहा है, मैथ देखिए साइंस मैथ हिंदी संस्कृत सोशल साइंस मतलब जितने भी सब्जेक्ट आपके एग्जाम में एकदम गजब की तैयारी मस्त तैयारी हो रही है। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं बाबू, प्लीज देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को लिखें और इसे किरण आरेख से भी दर्शा दीजिए। आइए हम इसे किरण आरेख से भी दर्शाते हैं और प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को भी हम लोग लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या होता है और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा बनता है। तो आपको लिखना होगा कि प्रकाश किरण का किसी सतह से टकराने के उपरांत आपतित माध्यम या फिर निर्वात हो जाने की यानी कि लौट जाने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का
परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का जो किरण होती है वह किसी चिकनी सतह से टकराती है, टकराने के वजह से क्या होती है वह आपतित हो जाती है, आपतित माध्यम क्या होती है लौट जाती है, लौटने की घटना क्या कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आइए इसका नियम पूछा है और चित्र के माध्यम से भी बोला है कि आप इसे समझाइए। तो देख सकते हैं यहां पर एक चित्र बनाया गया है, जैसे मान लीजिए यह आपकी एक क्या है, ये आपका एक दर्पण हो गया, ठीक है, चिकना सतह हो गया, सतह मान सकते हैं, या आपका एक चिकना सतह हो गया, ये आपकी प्रकाश की किरण आ रही है, आने के बाद से यह ओ बिंदु पर क्या हो रही है टकरा रही है, टकराने के बाद से क्या हो रही है यह लौट जा रही है, ठीक है, ये इस प्रकार से लौट जा रही है। तो जब हम इसके बीच में एक लंब डालेंगे तो यह क्या होगा कि आपतित को, यहां पे देखिए आपतन कोण क्या होगा, जो आपतन कोण बनेगा और यहां पे जो परावर्तन कोण बनेगा ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, ये सभी बच्चे जानते हैं। तो ध्यान पूर्वक पहले चित्र के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करें, देख सकते हैं वही चीजें आपको यहां पर लिखनी है एग्जाम में कि चित्र में आपतित किरण क्या है, ए ओ है, क्या है ए ओ आपकी आपतित किरण है, सतह के बिंदु ओ से टकरा रही है, कहां से टकरा रही है सतह के बिंदु ओ से टकरा रही है, ओ बी किरण के रूप में यह लौट जाती है, किसके रूप में लौट जाती है यह, तो ओ बी के रूप में यह लौट जा रही है, ठीक है, उसके बाद से यही प्रकाश का परावर्तन होता है। तो चित्र के माध्यम से आपने देखा, जो चित्र में आपको यहां पे दर्शाया गया है उसी बात को यहां पे लिख देना है। अब कह रहा था कि इसका जो नियम होता है वह क्या होता है, तो देखिए सबसे पहला नियम होता है कि आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण, परावर्तित किरण यानी कि जाने वाली किरण, आपतन बिंदु पर यानी कि जो ये बिंदु ओ पे पड़ रहा था खींचा गया जो लंब होता है, ये तीनों कहां होता है एक ही तल में होता है, तो ये आपको लिख देनी है, ठीक है। चलिए दूसरा नियम क्या होता है इसका ध्यान दीजिएगा, दूसरा होता है कि आपतन कोण को जो आई बन जाएगा उसके बाद से जो परावर्तन कोण आर बन जाएगा, ये एक दूसरे के क्या होते हैं बराबर होते हैं, जैसे कि चित्र में किरण आपको दर्शाया गया ए ओ और किरण ओ बी, अभिलंब ओ एन था, एक ही तल में था और कोण आई बराबर क्या था कोण आर था, जैसा आपने यहां पे चित्र देखा और फटाफट से आपको चित्र बना देनी है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो काफी लाजवाब है बाबू, जो बच्चे वीडियो छोड़ करके जाएंगे उन्हें दिक्कत होगी, प्लीज यार रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, देखिए आपकी एग्जाम में काफी कम समय है, प्लीज बाबू अगर आप चाहते हैं कि आप समाज में गर्व से आप चले, आप सीना चौड़ा करके चले, अपने सिर को ऊंचा करके चले, तो प्लीज क्लास को लेना पड़ेगा और अपने रिजल्ट को बेहतर बनाना पड़ेगा, क्योंकि यही समय है आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने की। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बाबू, फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, मां सरस्वती आपके साथ ही, आपका रिजल्ट काफी बेहतरीन जबरदस्त और मस्त आएगा यार, पर टेंशन नहीं लेने, टेंशन लेकर के पढ़ाई नहीं करनी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है कि किसी क्षैतिज संचरण तार यानी कि पाइप पावर लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके ठीक नीचे के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी यह आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी यह क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या लिखना होगा और क्या इसका उत्तर होगा, तो आपको लिखना होगा कि विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम जब हम लागू करने आएंगे तो लागू करने पर हमें तार के नीचे के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वह उत्तर से कैसे होगी, दक्षिण की ओर प्राप्त होगी, कैसे होगी उत्तर से हम लोगों को कैसे प्राप्त होगी, तो दक्षिण की ओर प्राप्त होगी, तार से ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर प्राप्त होगी। उसके बाद जब यह देख सकते हैं तार के ठीक ऊपर की बात करते हैं, तो तार के ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वह कैसे होगी, उस समय आपकी जो दिशा होगी वह दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर होगी, ठीक है। तो आपको इन सारी बातों को लिख देना है फटाफट से, एक भी नंबर बाबू नहीं कटेगा, पूरा का पूरा नंबर आपके एग्जाम में मिलेगा। तो अद्भुत क्वेश्चन है बाबू आपके लिए, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है। और ये देखिए क्वेश्चन, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव ही पूछ देता है, क्वेश्चन को आधा करके ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, मतलब काफी लाजवाब है यार, काफी धमाल मचाने वाला क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है और इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और ध्यान से समझिएगा, काफी बच्चे कहते हैं कि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग को नहीं आता, आएगा यार जरूर आएगा, इस वीडियो को देखने के बाद से जरूर आएगा, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन काफी कठिन है, 5 नंबर में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुपतांक जो है वह 100 वाट है, ठीक है, और 220 वोल्ट पर है,
दूसरे का जो है वह 60 वाट है और 220 वोल्ट है। विद्युत मेंस के साथ पार्श्व क्रम में यह क्या चीज है जो संयोजित है, कैसे क्रम में संयोजित है, तो पार्श्व क्रम में संयोजित है। यदि विद्युत आपूर्ति की जो वोल्टता है वह 220 वोल्ट है तो विद्युत धारा से मेंस की कितनी धारा ली जाती है आपको यह बताना है, यानी कि धारा का वैल्यू आपको बता देनी है। यहां पर दो आपको लंप दिए गए हैं, विद्युत लंप कितने दिए गए हैं, दो दिए गए हैं। अब आइए एक एक करके इसको सॉल्व करना होगा, काफी आसान है। यहां पे देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग मानेंगे पहले लैंप की शक्ति, पहले लैंप की शक्ति मानेंगे P1, क्या मानेंगे P1, तो P1 का वैल्यू कितना है, तो कहेगा कि सर 100 वाट है, ठीक है। पहले लंब का विभवांतर क्या है, तो पहले लंब का विभवांतर हो जाएगा आपका 220 वोल्ट है। चलिए 220 वोल्ट भी हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी कि यहाँ पे 100 वाट हो गया, 220 वोल्ट यहाँ पे हो गया। अब हम ध्यान से देखिए क्या करेंगे, यहां से हम लोग धारा का मान निकालेंगे, यानी कि पहले लंब की धारा क्या होगी, तो धारा बराबर होती है P/V, यानी कि शक्ति बटे विभवांतर आपका हो जाएगा। तो P का वैल्यू कितना दिया गया था, तो कहेगा सर 100 दिया गया था, यानी कि 100 दिया गया था, 100 वाट। नीचे आपका विभवांतर कितना दिया गया है, पहले लंब का विभवांतर 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट हमने यहां पे लिख दिया, यानी कि क्या हो गया 100/, यानी कि 100/220 आपका हो गया। और ये आपका निकलेगा किस में, एम्पियर में, क्योंकि धारा का जो एसआई मात्रक होता है कि क्या होता है, एम्पियर होता है। चलिए अब हम लोग निकालेंगे पहले प्रतिरोध, पहले लैंप का प्रतिरोध, यानी कि R1 का वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा R1 का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि R1 बराबर हम लोग को फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है, क्या चीज होता है, V/I, और यहाँ पे I की जगह अब I1 करेंगे। चलिए तो V का मान कितना दिया गया था बाबू, तो V का मान सही करिएगा कि सर 220 दिया गया था, बिल्कुल हमने 220 यहाँ पे हमने लिख दिया, जो कि यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। उसके बाद से I1 का मान हमने क्या निकाला था, तो 100/220, यहाँ पे देखिए 200 टाइप हो गया, चलिए 220 हो गया। चलिए अब इसको क्या करना, भाग आपको देना है, तो जब इसे आप भाग दीजिएगा तो ये अब तो ये तो भाग, अब ये तीन चरण में हो जा रहा है, तो आपका ये भाग वाला गुणा में बदल जाएगा, यानी 8400400400 याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपकी मैथ के सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपका हर डाउट हर सवाल का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर, वो भी सिर्फ आपके व्हाट्सएप पर। आप डाउटनेट का 8400400400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, जो भी क्वेश्चन में डाउट हो उसकी फोटो खींचिए, उसे क्रॉप कीजिए, 5 सेकंड में आपका उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी सेव कीजिए 8400400400, यानी कि ये हो जाएगा 220 × 220, नीचे का ऊपर चला जाएगा और ऊपर का नीचे, यानी कि 100 हो जाएगा नीचे, यानी कि 220 × 220/100 आ गया। अब 220 में 220 आप देख रहे हैं, तो एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो यहां पे नीचे कट गया, और 22 में 22 से गुणा कीजिए कितना होगा 484, यानी कि 484 आपका ओम निकल गया। पहले लैंप का जो आपका प्रतिरोध है वो कितना निकला, 484 आपका ओम निकल गया है, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे लैंप का निकालेंगे, तो दूसरे लैंप का निकालेंगे, देखिए क्या करेंगे। अब यहां पे हमने देखा ऊपर में कि दूसरे लैंप की जो शक्ति, यानी कि P2 दी गई थी कितनी वाट, 60 वाट दी गई थी, और दूसरे लैंप की जो विभवांतर, यानी कि V का मान कितना दिया गया, 220 वोल्ट दिया गया है, बिल्कुल। इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग धारा निकालेंगे, धारा बराबर क्या होता है आपका, होता है शक्ति बट्टे की विभवांतर, यानी कि P/V, तो P का मान क्या है 60 है, तो 60/ क्या हो गया 220, तो 220 यहां पे एम्पियर हो गया। एम्पियर क्यों लिख रहा है, क्योंकि धारा का एसआई मात्रक होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां से प्रतिरोध क्या निकालेंगे मान, तो प्रतिरोध निकालेंगे क्या चीज, तो प्रतिरोध हो जाएगा आपका V/I, ठीक है। तो V/ जब I हो जाएगा, यहां पे I अब 2 होगा, ठीक है, तो V/I हो जाएगा, यहां पे अब 220 हो जाएगा V का वैल्यू, क्योंकि यहां पे V का वैल्यू 220 दिया गया था विभवांतर का मान। उसके बाद से I2 का मान क्या हमने निकाला था, तो 60/220, तो यहां पे 60/220 हमने भाग दे दिया है। अब ये भाग में है तो गुणा में बदल जाएगा, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी कि 220 × 220 हो गया। चलिए ये हो गया, और ये आपका अब नीचे चला आएगा, ठीक है, ऊपर वाला ये नीचे चलाएगा। अब देखिए जब इसे आप लोग इसे कटा करके इसे गुणा कीजिएगा, ठीक है, तो आपका आएगा कितना 2420/3 ओम, ठीक है, आप ओम लिखिए तो या ओम का सिंबल बना दीजिए, ठीक है, ये आप कैलकुलस कर लीजिएगा। इतना आपको ये 220 × 220/60 से जब कटाए हैं तो कितना आया है 2420/3 आया है। अब कह रहा था प्रश्न में कि यह पार्श्व क्रम में जुड़ा हुआ है,
तो आर का वैल्यू बताना था। तो जब पार्श्व क्रम में जुड़ेगा यानी कि 1 बटे आर बराबर हो जाएगा 1 बटे आर वन प्लस 1 बटे आर टू, तो 1 बटे आर वन का वैल्यू निकला हुआ था कितना, 1 बटे 484 हो जाएगा, और 1 बटे आर टू, आर टू का वैल्यू कितना निकला था 2420, और ये आपका ये था 2420 बटे 3, तो ये 1 बटे में है, तो ये तो अब ऊपर चला जाएगा, अब 3 हो जाएगा ऊपर, एक की जगह अब 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 बटे आपको यहाँ पे 2420 दिया गया, देखिए आप समझिए यहाँ पे 1 बटे आर टू दिया गया है, और यहाँ पे 1 बटे आर टू, आर टू का वैल्यू कितना है 2420 बटे की 3 है, तो ये भाग में हो गया, गुणा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 वाला ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, वही चीज हुआ है बस। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमने इसे लिख दिया 1 बटे 484 प्लस 3 बटे 2420, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, तो ये हम लोग का क्या आएगा 2420 जब आ जाएगा तो ये कितना बार में जाएगा, तो ये 5 बार में जाएगा 2420, तो ऊपर क्या करेंगे 1 से 5 में गुणा कर देंगे यानी हो जाएगा 5। देखिए यहाँ पे भिन्न का जोड़ किया जा रहा है, ज्यादा कुछ माथा पेची आप मत समझिएगा कि यहाँ पे कुछ जो है ज्यादा कुछ किया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा, बस आपका भिन्न का जोड़ बना देंगे आपको, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। फिर से 2420 में कितना होगा, तो 1 बार में, तो 1 बार में तो यानी कि 3 में 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा 3, यानी कि 5 प्लस 3 बटे 2420 कितना हो गया 20 हो गया, और 5 प्लस 3 कितना होता है 8 होता है, 2420 तो 2420 यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो है 2420 आ गया, तो ये 1 बटे आर का वैल्यू निकला है कितना 8 बटे 2420, ठीक है। अब यहां से हम लोग निकालना है कितना वैल्यू, आर का वैल्यू निकालना है, तो तिरिय गुणा कर देंगे, तो यहां पे जब हम लोग तिरिय गुणा करेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 2420 बटे 8, ठीक है। आर का वैल्यू तिरिय गुणा करेंगे, देखिए 8 में आर से गुणा करेंगे तो 8R हो जाएगा, अब 1 में यहां से गुणा करेंगे 2420 में हो जाएगा 2420, ठीक है 2420 आ गया। अब R बराबर क्या हो जाएगा 2420 बटे 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। चलिए तो ये आपको बस यहां पे भिन्न का जोड़ बना देना है, जिसको भिन्न का जोड़ आता होगा समझ में उनको दिक्कत है ही नहीं। तो ये आ गया कितना आपका, आ गया 2420 बटे 8 ओम। आप वोल्ट कितना दिया गया, विभवांतर कितना दिया गया था, विभवांतर तो आपका 220 वोल्ट का 220 वोल्ट है ही, हो गया। तो इस तरीके से आपका ये आ गया। अब उसके बाद से पूछ रहा था क्वेश्चन, इसमें एक और था कि विद्युत मेंस से ली जाने वाली धारा क्या है, अब धारा निकालना है, तो धारा निकालने के लिए यहां तक तो हमने प्रतिरोध निकाला, अब उसके बाद से विभवांतर दिया गया था, अब हम लोग को धारा निकालना है किसका, विद्युत मेंस का, ठीक है, विद्युत मेंस का आपको धारा निकालना है। तो यहां पे धारा निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, विद्युत मेंस का I बराबर हो जाएगा V बटे R, तो V का मान यहां पे 220 दिया गया है, 220 और यहां पे आपका R का वैल्यू, तो R का वैल्यू यहां पे 2420 बटे 8, अब ये भाग में चला गया, तो भाग में क्या करेगा, गुणा में यह बदल जाएगा, तो यानी कि 8 वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला आपका नीचे चला जाएगा, ठीक है। और इसे जब आप लोग कैलकुलेट करिएगा, जब इसे आप गुणा करके आप भाग दीजिएगा, तो आपका आएगा कितना, आपका आएगा 0.727 आपका हो जाएगा एम्पियर, क्या हो जाएगा 0.727 एम्पियर आपका आंसर निकल करके चला आएगा। तो इस तरीके से आपको यह बनाना होगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो काफी आसान है, एक दो बार वीडियो देख लीजिए, थोड़ी सी पीछे करके देख लीजिए, एक बार में समझ में आएगा, ठीक है। काफी हमने प्रोसेस इसमें बता दिया है, दिक्कत तो होगा ही नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, काफी जबरदस्त क्वेश्चन, फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो जल्दी से कीजिए। तो बाबू हम लोग का प्रश्न काफी आसान क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां होती है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, कि जीवाश्म ईंधन की हानियां क्या होती है, और एग्जाम में आएगा तो फटाफट से आपको क्या लिखना होगा, जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, तो ध्यान दीजिएगा। जीवाश्म ईंधन की हानियां कुछ इस प्रकार से होती है, पहला होता है कि जलने से पर्यावरण जो होती है वह क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, ठीक है, पहला आपका ये होती है हानियां। दूसरा हानियां होती है कि जलने से CO2 निकलती है, जिससे कि हरित गृह प्रभाव जो है उत्पन्न हो जाता है, क्या हो जाता है, हरित गृह प्रभाव यहां पर उत्पन्न होता है जलने से, ओके। तीसरा क्या होता है कि जलने से उत्पन्न अवयव से अम्लीय वर्षा होने लगती है, और अम्लीय वर्षा जो होती है तो काफी ज्यादा क्षति पहुंचाती है, चर्मरोग होने की भी संभावना सबसे ज्यादा होती है। आपने देखा कि कई वर्षों पीछे जो है आपकी बहुत ज्यादा जो है चमड़े का रोग जो है, यानी कि जो दिनाय खाद खुजली जो हुआ है वह काफी ज्यादा उत्पन्न होना मतलब शुरू हो चुका है। तो इस प्रकार से अगर अम्लीय वर्षा होगी तो ये भी आपका प्रभावित करता है, और अम्लीय वर्षा के कारण भी ये भी होता है,
ठीक है। अगला होता है कि लगातार दोहन से इसका समाप्त इनका समाप्त हो जाना का भी डर बहुत ज्यादा बना रहता है, ठीक है, जीवाश्म ईंधन का। लगातार जब इसका दोहन कर, मान लीजिए किसी चीज को लगातार उपयोग करेंगे, यूज करेंगे, तो वह एक ना एक दिन तो समाप्त हो ही जाएगा यार, ठीक है। तो यही आपकी हानियां होती है कि जलने से प्रदूषित जो है प्रदूषण ये उत्पन्न करता है, यानी कि पर्यावरण को ये प्रदूषित कर देता है। जलने से ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिससे कि हरितगृह प्रभाव जो होती है क्या होती है, उत्पन्न होती है, ठीक है। और जलने इसके जब ये इसको जलाया जाता है तो अम्लीय वर्षा होने की भी संभावना बनी रहती है। तो ये आप लिखिएगा तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो कि काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई देता है, यानी कि रक्त के जैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है। और यह क्वेश्चन का आंसर हम जानते हैं बच्चे, आपको याद करने में काफी ज्यादा कठिनाई हो रही होगी, तो यह कठिनाई नहीं होगी, बस आप इसे कंप्लीट देख लीजिए, ठीक है। काफी बच्चे इसको याद करने में काफी डर रहे थे, तो डरना नहीं है बाबू, आपको लड़ना है, ओके। चलिए तो आपको क्या लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा कि दिन में सूर्य का रंग समय के साथ साथ क्या होता है, बदलते रहता है। दोपहर में जब सूर्य सिर पर आता पर होता है तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा वायुमंडल से होकर पृथ्वी तक आने वाली आने में जो तय की गई दूरी होती है वह क्या होती है, न्यूनतम हो जाती है। परंतु सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में अधिक दूरी तय करना पड़ता है। मान लीजिए कि जब सूर्योदय हो रहा है या सूर्यास्त हो रहा है तब वह प्रकाश जो निकलेगी वह तो काफी दूर से निकलती है, लेकिन दोपहर में क्या होती है, वो तो हमारे सिर के ऊपर होती है, यानी कि ऊपर होती है, बीच में होती है, ठीक है। और सुबह में जब वो निकलती है तो उसकी दूरी जो होती है ज्यादा तय करनी पड़ती है, ठीक है। प्रकाश को पृथ्वी तक आने के क्रम में वायुमंडल में मौजूद अति सूक्ष्म कणों से होकर गुजरना पड़ता है उसकी। जब वह उसकी प्रकाश आएगी सुबह में या फिर शाम में तो बहुत ही अति सूक्ष्म जो कण होते हैं उससे उनको क्या करना होता है, गुजरना पड़ता है, जो मुख्य रूप से नीले रंग को प्रकीर्णित कर देते हैं, अतः जो बचा हुआ हमारी आंखों तक जो पहुंचता है, उसके बाद हमारे जो आंखें तक पहुंचता है उसमें से मुख्य रूप से लाल रंग ही होता है। क्या करता है, क्योंकि वो तो नीला रंग आपका तो प्रकीर्णित कर दिया है, तो केवल मुख्य रूप से जो हमारी आंखों तक पहुंचता है वह कैसा रंग पहुंचता है, लाल रंग पहुंचता है। यही कारण होता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के जो समय होते हैं, यानी कि जब सूर्य उगता है या सूर्य डूबता है, दोनों समय जो होते हैं सूर्य जो होते हैं रक्ताभ प्रतीत होते हैं, यानी कि लाल दिखाई देते हैं, ओके। तो इन सारी बातों को अगर आप लिखेंगे तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है, चलिए आगे देखिए ध्यान से। और यह क्वेश्चन काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था, नहीं बताया होगा तो ध्यान दीजिएगा, आपको बता देते हैं कि आपसे फिजिक्स जो होता है, यानी कि भौतिकी जो होता है, सबसे पहले खंडबाव में भौतिकी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे आपका 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 8 क्वेश्चन में बोला जाएगा कि किन्हीं 4 प्रश्नों को बता दीजिए, यानी कि 8 में से 4 किसी भी प्रश्न को बता देना है, और यह जो 4 प्रश्न होगी ये 8 नंबर का होगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो होगी वो कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी कि इस प्रकार से 4 प्रश्न आपका 8 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपका 8वां प्रश्न ये रहा, और उसके बाद से केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है उसके बाद से। तो 8वां प्रश्न में कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों को बैटरी से 1 ओम प्रतिरोधक और 8 ओम प्रतिरोधक तथा 1 12 ओम प्रतिरोधक तथा 1 प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हो। यानी आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे आप, तो कह रहा है कि आपको एक विद्युत परिपथ बनाना है जिसमें 2 वोल्ट के आपको क्या करना है, 3 सेल जोड़ना है। 2 वोल्ट के कितने सेल जोड़ना है, 3 सेल जोड़ना है, और 1 5 ओम का प्रतिरोध होना चाहिए, 1 8 ओम का प्रतिरोध होना चाहिए और 1 12 ओम का प्रतिरोध होना चाहिए, और उसमें एक आपको प्लग कुंजी लगा देना है, यानी कि की लगा देना है, ठीक है, यानी कि बटन लगा देना है। तो देखिए आपका इस प्रकार से ये बनेगा। यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि 2-2 वोल्ट के यहाँ पे जो है वो क्या लगा देंगे, 3 बैटरी लगा देंगे, ठीक है। बैटरी का सिंबल किस प्रकार से रहता है आप देख सकते हैं, इस प्रकार से बैटरी का सिंबल बनेगा। उसके बाद से यहाँ पे धन होता है, यहाँ पे ऋण होता है, यानी कि यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, इसे दर्शाना है। देखिए इसी पे नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए केवल फिगर ही पूछा गया है, ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया है। उसके बाद से यहाँ पे आपकी जो होगी वो यहाँ पे आपकी कुंजी है, कुंजी लग गई है, यहाँ पे की हमने इसे दर्शा दिया, ठीक है। उसके बाद से ये धारा ये देख सकते हैं, ये बैटरी से यहाँ से प्लस से इधर आ रही है, आने के बाद से क्या हो रहा है, यहाँ पे 8 ओम का हम लोग एक प्रतिरोध लगाएंगे। क्या चीज, प्रतिरोध का सिंबल देख सकते हैं, इस प्रकार से होता है प्रतिरोध का सिंबल, बिल्कुल ये इस प्रकार से प्रतिरोध हो गया, ये 8 ओम का हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 5 ओम का लगा देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक 12 ओम का लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि यही कह रहा था।
तो हमने लगा दिया 8 ओम 12 ओम 12 ओम का, 8 ओम 5 ओम 12 ओम का प्रतिरोध हमने लगा दिया। यहाँ पे आपको एक क्या लगा दिया, प्लग कुंजी लगा दिया। यहाँ पे तीन हमने सेल जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे बैटरी का यूज नहीं, यहाँ पे सेल जोड़ा गया है, और इसे आप बैटरी भी कह सकते हैं क्योंकि सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इस तरीके से आपको 8 क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है, मतलब 8 नहीं 4 क्वेश्चन को, किन्हीं 4 प्रश्नों को सॉल्व करके आना है। उन्हीं प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिएगा जो आपको समझ में आता है, जो आपको याद है, पता है, उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको बता दें कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपको 8 पूछा गया, अब यहाँ पे जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन एक प्लस पॉइंट आपके लिए क्या चीज है कि जो फिजिक्स में आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा वह 6 नंबर का पूछा जाएगा। पहले 5 नंबर का आया करता था, लेकिन अब 6 नंबर का पूछा जा रहा है केवल फिजिक्स के से क्वेश्चन। तो देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, और इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन पूछेगा 10 नंबर। 10 नंबर यानी कि 2 क्वेश्चन में से आपको किन्हीं एक प्रश्न का जवाब देना है, उसके बाद से आपका जो होगी ये आपका पूछा जाएगा किसे, केमिस्ट्री से क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद से आपका पूछा जाएगा किसे, केमिस्ट्री से क्वेश्चन। केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछने के बाद से आपसे पूछा जाएगा किससे क्वेश्चन, तो बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो ये सारी जो क्वेश्चन है पीडीएफ है, ये कहां पे मिलेगी आप ये सोच रहे हैं ना, सोचना नहीं है, ध्यानपूर्वक देखिए, हमारे वेबसाइट पर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। बहुत बड़ी खुशखबरी, एक नहीं पूरे 5 मॉडल सेट जारी कर दिया गया है सभी सब्जेक्ट का। अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्या करना होगा आपको, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि क्या करना होगा। तो इसके लिए आपको गूगल को ओपन करना है, गूगल क्रोम को, इसमें इसके सर्च बार में आपको सर्च करना है DLS एजुकेशन, क्योंकि यहीं पे हम लिंक दिए हुए हैं। आपको जो चैनल का नाम है वो आपको यहाँ पे लिख करके सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा आपके सामने यहाँ पे DLS एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए डाउनलोड करने का लिंक आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि मैट्रिक आप मॉडल पेपर डाउनलोड PDF 2022 के लिए, 2022 के लिए, 2022 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी, अब आपको परेशान नहीं होना है, आपको गर्दा मचाना है। देख सकते हैं 5 मॉडल जारी कर दिया गया है। आपको क्या करना है, यहां पे सारी चीजें पढ़ लेना है कि मॉडल पेपर क्यों जारी किया जाता है, सब चीज सब कुछ पढ़ने के बाद से देख सकते हैं यहां पे आ चुका है सब्जेक्ट का नाम। उसके बाद से मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए यहां पे लिंक जो है डाल दिया गया है, ये आपका सब्जेक्ट है। जैसे मान लीजिए यहां पे साइंस है, साइंस के सामने डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहां पे देख सकते हैं यहां पे 5 आपका ओपन हो गया है कि मॉडल सेट आपका 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए। आप किसी पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, जैसे कि मॉडल सेट 1 पे क्लिक करते हैं तो आपका मॉडल सेट 1 जो है देखिए यहां पे जारी कर दिया गया, यहां पे आपको आ चुका है यहां पे मॉडल पेपर, और अपने मोबाइल से फटाफट से कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए यहां पे, अभी रुकिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, यहां पे अगर आप 5वें मॉडल पेपर पे क्लिक करते हैं तो फटाफट से देखिए ये ओपन हो जाएगा। 5वें मॉडल पेपर पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहां पे आ चुका है 5वां मॉडल पेपर, देख सकते हैं। और यहां पे इसका, और इसको बता दें कि इसका आंसर जो होगा वह सबका लास्ट में मिलेगा, ठीक है। यानी कि मॉडल पेपर जैसे ही समाप्त होगा उसके लास्ट में आपको आंसर की मिल जाएगा, देख सकते हैं यहां पे इसका आंसर की है। तो फटाफट से जल्दी से आप सर्च कीजिए और जल्दी से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे किसी तरह कमाल वीडियो आपको मिला करे और आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त हो जाए, एकदम धमाल मचाना आपको इस साल परीक्षा में, क्योंकि देखिए आपके पास अब समय काफी कम है। तो फिर मिलती है इस तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उसे भी दबा करके आप पहुंच सकते हैं अगर दिक्कत होता है तो।